और ये है ये इंदुमती की बिंदुमती। ये देखिए आप लोगों ने ही कमेंट करके बोला था कि ये बिंदुमती है और इसको भी ये बात पता है। ये भी बिंदुमती। मैं अपने हस्बैंड के साथ जिस काम से गई थी उनके साथ पटना, तो मुझको भी मतलब यूनिवर्सिटी में काम था तो मेरा वो काम भी हो गया, तो अच्छा लगा कि मैं गई और मेरा काम भी हो गया। बहुत दिनों से पड़ा हुआ था वो मेरा यूनिवर्सिटी का काम, तो वो मेरा हो गया है। जा रही हूँ अपने रूटीन को शुरू करने। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं बिस्तर साफ़ की हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ये देखिए इंदुमती को मैं नहला भी दी हूँ, क्योंकि बस में सफ़र करने के बाद थकावट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं उसको नहला दी हूँ पहले ताकि वो फ्रेश महसूस करे। और उसको मैं छत पे बोली थी धूप में जाने के लिए, बट वो नहीं गई है क्योंकि वो मेरे ही आगे पीछे घूमती रहती है। और मैं पहले रूम में झाड़ू लगा लूँगी, फिर मैं आगे जो काम है मेरा वो करूँगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रही हूँ। और बिस्तर मैं पहले ही कर ली थी सुबह उठ कर ही। और अभी मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, पोछ रही हूँ, क्योंकि मैं माँ को भी रोटी वगैरह बनाकर दे दी हूँ खाने के लिए, तो वही मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बर्तन को धोऊँगी। और सुबह तो मैं जल्दी ही उठ गई थी, बट वीडियो एडिट करने में टाइम लग गया मुझे, इसलिए लेट हो गया है सब काम में। और करने का उतना मन भी नहीं कर रहा है काम, तो ऐसा लग रहा है लेजी लेजी जैसा। और ये देखिए इंदुमती जो है मुझसे मांग रही है कि भुजिया दे दो फिर मैं जाऊंगी छत पर, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा दे दी हूँ कि दादी के साथ वो अपने चली जाएगी छत पे, बट वो नहीं गई। देखिए वो यहीं पे खा रही है बैठ के टेबल पे, वो ऐसा ही करती है। और ये देखिए सारा जो मेरा बर्तन है सबको एक जगह कर देती हूँ, बस मैं ये ट्रे हटा दे रही हूँ ताकि फूटे ना, पहले इसी को कर ली हूँ। और अभी बज गए हैं शाम के 7 बज गए हैं, तो मैं आ गई हूँ किचन में रात के खाना बनाने के लिए। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसके वजह से मुझको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं सबके लिए सत्तू का पराठा बना रही हूँ और चटनी के साथ सब लोग खा लेंगे, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ सत्तू में मैं जमाइन डाली हूँ, धनिया पत्ता, अचार, खटाई नहीं था इसकी वजह से मैं अचार डाली हूँ इसमें, नींबू के वजह नहीं था तो। और ये मैं अदरक डालूँगी इसमें, और मैं इस सत्तू को थोड़ा सा पानी डालकर फिर मिलाऊँगी। इसमें तेल भी डाली हूँ बट उतना तेल मैं नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि माँ को भी खाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको मिलाऊँगी। और मेरा आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बनाई हूँ क्योंकि आप लोग सब मेरे वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं, वेट करते हैं मेरे वीडियो का, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बनाई हूँ ये वीडियो। और इसके बाद जो है इंदुमती बोली है कि मैं अभी खाऊंगी, तो मैं उसके लिए जो है अभी बनाऊँगी एक पराठा, उसको खिला दूँगी, फिर मैं बाकी लोगों को खिलाऊँगी बनाकर। और ये देखिए मैं आ गई हूँ, रात के बज रहे 8:30, तो मैं आ गई हूँ सबके लिए पूड़ियाँ बनाने, पूरी चटनी और थोड़ा सा भुजिया है वो मैं दूंगी सबको खाने के लिए। और आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय, फिर कल मिलूँगी।